बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो आजकल हमें वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड नहीं करती, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें मोटिवेट करने का काम भी करती है। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी बायोपिक्स की जो भाग मिल्खा भाग के बाद रिलीज होनी शुरू हुई थी एंड अभी तक द लिस्ट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड वो सभी बायोपिक्स हमें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं फॉर अस कि हम अपनी फील्ड में जहाँ भी हैं एकदम बेस्ट थे एंड वी बिकम सक्सेसफुल। बट आज की वीडियो में हम इन सब बायोपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनयूजुअल मूवीज के बारे में जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ पे जरूर बेस्ड है और कैसे वो आपको मोटिवेट करेंगे, किन किन क्वालिटीज के साथ आप जो है अपनी मंजिल डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो उस फील्ड की डोमेन नॉलेज हो या वो रिस्क टेकिंग फैक्टर्स, ये मूवीज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वालिटीज की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम 6 नंबर पे हमारे पास एक मूवी है जिसका नाम है स्पेशल 26। ये मूवी फॉलो करती है एक रियल लाइफ ग्रुप की स्टोरी जो कि कौन आर्टिस्ट थे और बहुत ही क्लेवरली उन्होंने रॉबरीज की थी 1980s में। बट अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रॉबरी की स्टोरी आपको मोटिवेट करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने नॉर्मल रॉबरीज नहीं की थी, फेमस बिजनेसमैन और काफी फेमस पॉलिटिशियंस की भी रॉबरी की थी और इस ग्रुप का मोडस ऑपरेंडी था वो सीबीआई या इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तरह प्रिटेंड करते हुए रेड मारते थे लोगों के ऊपर और अपने विक्टिम्स को इंटिमिडेट करते हुए उनकी सारी ब्लैक मनी ले जाते थे। ऑफ कोर्स जितने भी विक्टिम्स थे उनको फॉर द फियर ऑफ बैड रेपुटेशन कभी भी उनके अगेंस्ट एफआईआर इस ग्रुप के अगेंस्ट फाइल नहीं किया। ये ग्रुप हर बार बच जाता था। रॉबिन हुड और एंटरप्रेन्योर्स का कंपैरिजन कोई नया नहीं है, तो इसी वजह से ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करती है क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी कॉन आर्टिस्ट थे, उनकी डोमेन नॉलेज एकदम पार एक्सेलेंस थी और उनका टीम वर्क, उनकी फोरसाइट एकदम कमेंडेबल, समथिंग एंटरप्रेन्योर्स शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम। नंबर 5 पे हमारे पास है द डर्टी पिक्चर जो कि 2011 में आई थी। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि डर्टी पिक्चर को मैं मोटिवेशनल स्टोरीज में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये मूवी फॉलो करती है जर्नी ऑफ एन एवरेज मिडिल क्लास गर्ल जो कि एक्टर बनना चाहती है। वो अपने घर से भाग के मद्रास चले जाते हैं और वहीं पे 100,000 और लड़कियों के साथ साथ वो लाइन अप करते हैं आउटसाइड स्टूडियोज ताकि उन्हें कोई ना कोई नोटिस कर पाए, लेकिन उनकी प्लेन नेक्स्ट डोर गर्ल लुक्स जो है वो काफी इग्नोर की जाती है। लेकिन फेट उन्हें एक छोटा सा चांस जरूर देता है ताकि वो एक छोटा सा रोल प्ले कर पाए इन अ स्टूडियो। एंड जितना वो एफर्ट पुट करती है उस छोटे से साइड रोल में उनको वो ओवरनाइट सेंसेशन बना देता है। ये मूवी भी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो कि इंस्पायर हुआ था बाय द लाइफ ऑफ सिल्क था, एक जो कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस रह चुकी हैं हु इज नोटेड फॉर हर एरोटिक रोल। वन कैन नॉट हेल्प बट नोटिस हर पैशन इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स शी डिड फॉर ऑल दीज रोल्स। चाहे वो कोई डांसर का रोल ही क्यों ना प्ले करना हो, वो भी बिहाइंड द स्टार्स उन्होंने मेन स्टार्स को भी ओवरशैडो कर दिया था टू राइज टू द फेम। और यही एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है इस फिल्म से जो वो लर्न कर सकते हैं कि इवन इफ देयर इज अ स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग, डू इट विद योर पैशन एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। देन वी हैव अनदर मूवी नेम्ड बदमाश कंपनी जो कि परमीत सेठी का 2010 में डायरेक्टोरियल और रिटन डेब्यू था, यानी कि उन्होंने ये मूवी लिखी थी और उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट भी की थी। और ये मूवी मिडिल क्लास डायनामिक्स 90s में जो है वहाँ पे प्लॉटेड है। उसके बाद मूवी रिवॉल्व करती है अराउंड 4 यंग फ्रेंड्स जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं एंड दे स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स को यूज करते हुए वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर्चून्स बना सके, एक्सपेंसिव फॉरेन गुड्स को स्मगल करते हुए और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगवाते हुए। और यही एंटरप्रेन्योर्स की कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है कि वो कितने कनिंग होते हैं। इस मूवी के एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एकदम कनिंग है, ओवर एम्बिशियस है और फनी भी है और ये दिखाता है कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी नीश मार्केट ढूंढनी होती है एंड हाउ दे हैव टू एक्सप्लॉइट इट ऑल टुगेदर इन ऑर्डर टू ब्रेक थ्रू दैट मार्केट। ऑल्दो ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स और मॉरल लेसन्स भी पढ़ाती है, लेकिन ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज करती है रिगार्डिंग एथिकल वर्सेस अनएथिकल इन अ लाइट हार्टेड मैनर। ये मूवी रिमाइंड कराती है हम सबको उन दिनों की जब एक टिपिकल बॉलीवुड विलन स्मगलर होता था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो लीगल है। बट दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स जो ओवर एम्बिशियस हैं एंड हु वांट टू ब्रेक थ्रू इन द मार्केट। नंबर 3 पे लिस्ट में है द मूवी नेम्ड बैंड बाजा बारात दैट केम आउट इन 2010। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी एंड इफ यू हैवंट गो वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज ये मूवी रिवॉल्व करती है अराउंड अ गर्ल एंड अ बॉय, 2 फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स जो एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन दे हैव टीम्ड अप कि वो वेडिंग प्लानिंग बिजनेस शुरू कर लें। और ये मूवी की फोरग्राउंड तो एक लव स्टोरी है लेकिन उस लव स्टोरी के पीछे ही दिखाए हैं स्ट्रगल्स एंड डिल्यूजंस ऑफ अ स्टार्टअप। और इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को पता होना चाहिए कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट कैसे रखा जाए, बिकॉज आजकल ऐसे काफी एंटरप्रेन्योर्स है जो विद इन फैमिली अपने भाई बहन बंधु सबके साथ जो है वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बट दे फॉरगेट हाउ टू सेपरेट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड दिस इज व्हाट दैट मूवी टीचर्स। ये मूवी पैशन के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन टीच करती है हमें अबाउट बीइंग अ टीम प्लेयर, कैसे हमें अपने कस्टमर्स का पता होना चाहिए, हाउ ड्रीमिंग बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, और कैसे अपने वेंडर्स को पार्टनर्स बनाया जाए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन ऑल दीज लेसंस आर टॉट इन दिस वन फिल्म व्हिच इज द स्टोरी लाइन ऑफ अ लव स्टोरी। और नंबर 2 वी हैव दिस 2009 मूवी नोन एज हरीश चंद्राची फैक्ट्री। ये अर्ली 20th सेंचुरी में सेट है मूवी का प्लॉट, और ये मूवी फॉलो करती है द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ दादा साहेब फाल्के, जो अपने वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग बिजनेस को एकदम अबैंडन कर देते हैं और अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं, स्ट्रगलिंग फॉर हिज सर्वाइवल। जल्दी ही उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ, मूवीज में, फिल्म्स में, और अपनी हार्डवर्किंग वाइफ और अपने हार्डवर्किंग बच्चों के साथ साथ वो वेंचर आउट करते हैं इन दिस फील्ड जो एकदम अननोन है, एंड ही बिकम्स द पर्सन टू मेक इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र एंड बिकमिंग द फर्स्ट entrepreneur of the largest film industry of the world today. Although not exactly a Bollywood film, एक मराठी film है that couldn't be kept away from the list. It is a red light where the content and the form of the film matches to perfection. इस movie का humor, इस movie की light-heartedness और दादा साहेब फाल्के का जो character है इसमें, that brings his real life character to the reels. Following the life of the real entrepreneur, ये movie इस बात पे भी हमें aware करती है कि कैसे we need to have a natural foresight and a knack for understanding फॉर फ्यूचर, जो कि हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जरूर बनाता है। और नंबर टॉप वी हैव दिस मूवी ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी लीव दिस, इज गुरु, जो कि 2007 में आई थी, एंड आई एम श्योर इफ यू आर वाचिंग दिस लिस्ट यू ऑलरेडी नो कि ये मूवी लिस्ट में आने वाली थी, क्योंकि ये मूवी लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी। गुरु प्रॉबेबली मोस्ट ऑब्वियस एंट्री थी इस लिस्ट। गुरु का ऑन द साइड, जो कि एक एम्बिशियस मिडिल क्लास बॉय है हु इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन की डॉटर एंड यूजेस द मनी जो उन्हें डाउरी में मिलती है ताकि वो अपना एक क्लोथिंग बिजनेस सेटअप कर पाए बॉम्बे के अंदर, और वो सक्सेस जो परस्यू करते हैं, जो अपने मशीन पार्ट्स पॉलिस्टर मिल्स के स्ट्रगल करते हैं, इलीगली गुड्स क्रिएट करते हैं, स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट ही कैन मेक हायर प्रॉफिट। ऑल्दो दिस फिल्म इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट वी फाइंड आउट हाउ धीरूभाई अंबानी, आई मीन गुरुकांत देसाई, यूजेस हिज स्किल्स, यूजेस हिज एम्बिशन ताकि वो बिजनेस को और आगे फर्दर ड्राइव कर पाए और बन पाए रिचेस्ट कंट्रीज नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ये मूवी उस इंसान की रिफ्लेक्शन है जिनका एम्बिशन है सक्सेस पाना, एंड हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड फ्रॉम द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट दैट वी लिव इन। एज एन एंटरप्रेन्योर गुरु एकदम रूथलेस है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ही कनिंग है, एट द सेम टाइम वो बिलीव करवाते हैं हाउ वन शुड फॉलो हिज ओन ड्रीम्स। मूवी के प्रोटैगनिस्ट हमें बिजनेस एथिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाते, लेकिन इतना सिखाते हैं कि कैसे एम्बिशियस, कमिटमेंट और परसिवरेंस बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू मेक थ्रू इन लाइफ। दिस आवर लिस्ट ऑफ 6 टॉप मूवीज इज कमिंग टू एन एंड, बट नेक्स्ट कौन सी लिस्ट बनाई जाए, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हाटएवर I upload next you get the notification first, and remember me to follow on Instagram and Twitter, the handles are right in front of you. Thank you so much.